हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे पेटीएम एप्लीकेशन से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कैसे कराएं। जैसे कि आप पर्सनल लोन लेना चाहते हो उसके लिए आपने पेटीएम को सेलेक्ट कर लिया है कि पेटीएम आपका ट्रस्टेड एप्लीकेशन है, तो आप पेटीएम से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करोगे। तो इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं कि आप पेटीएम एप्लीकेशन से पर्सनल लोन के लिए कैसे अप्लाई करोगे, यहां से आपको कितने अमाउंट का लोन मिल सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, पूरी कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। और सबसे पहले आपको एक बात क्लियर कर देता हूं कि पेटीएम आपको डायरेक्ट लोन नहीं देता है। पेटीएम के कुछ ब्रांड है, कुछ लेंडिंग पार्टनर्स हैं जो कि आपको लोन प्रोवाइड कराते हैं। पेटीएम आपको डायरेक्ट लोन नहीं देगा, लेकिन वो दिलवाता है। कैसे दिलवाएगा पूरा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखना, अगर आप लोन लेना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक देखना, मिस मत करना। अब बात कर लेते हैं प्रोसेस की कि आप पर्सनल लोन कैसे अप्लाई करोगे। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आ चुका हूं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, जैसा कि आप देख सकते हो। और इस वीडियो में हम बात करें पेटीएम एप्लीकेशन से पर्सनल लोन अप्लाई कैसे करें और मिलने के बाद उसको बैंक में कैसे ट्रांसफर करेंगे, पूरा प्रोसेस हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को आपको पूरा वॉच करना है। अब बात कर लेते हैं पेटीएम से आप लोन अप्लाई कैसे करोगे, वो तो मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे देता हूं। जैसे कि यहां से आपको कितना अमाउंट का लोन मिल सकता है, और जो आपको लोन मिलेगा पेटीएम की तरफ से वो आपको लोन किसके माध्यम से मिलने वाला है, ईएमआई आप कितने महीने की बना सकते हो, चार्जेस क्या रहने वाले हैं, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो मैंने इसके ऑफिशियल आर्टिकल पर क्लिक कर दिया। अगर आपको कुछ भी जानना है तो आप इसका आर्टिकल रीड कर सकते हो। जैसे कि देखो मैं आपको मेन पॉइंट बता देता हूं। यहां पर साफ-साफ मेंशन किया गया है, देख सकते हो इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा आपके सामने, गेट इंस्टेंट पर्सनल लोन। पेटीएम से आपको जो भी पर्सनल लोन मिलता है, जो पेटीएम आपको डायरेक्टली लोन नहीं देता है, यहाँ पर एक बात साफ साफ क्लियर है कि पेटीएम से आप लोन अप्लाई करोगे, अगर आपको लोन मिलता भी है तो पेटीएम आपको लोन नहीं देता है यहाँ पर किसी को भी। पेटीएम में कुछ लेंडिंग पार्टनर्स हैं जो कि आपको लोन प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ पर मेंशन किया गया लेंडिंग पार्टनर्स, और इनकी आप लिस्ट दी गई पेटीएम कुछ लेंडिंग पार्टनर्स हैं। यहाँ पर लिस्ट में 5 लेंडिंग पार्टनर्स दिखाए गए हैं जो कि आपको लोन यहाँ प्रोवाइड करने वाले पेटीएम से। अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको जो 5 लेंडिंग पार्टनर्स हैं ये आपको लोन प्रोवाइड करने वाले हैं, इनसे ही आपको लोन मिलेगा। अब बात कर लेते हैं आपको कितने अमाउंट का लोन मिल सकता है। तो यहाँ साफ साफ मेंशन किया गया लोन अमाउंट, मिनिमम आपको 50,000 का लोन मिल जाता है और मैक्सिमम आपको 25,00,000 तक का भी लोन मिल सकता है, यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया है। अब हम अप्लाई करेंगे हमको कितना मिलता है वो मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। यहाँ पर मेंशन किया गया है 25,00,000 तक का लोन मिल सकता है। और अगर आप ईएमआई की बात करें तो ईएमआई के बारे में यहाँ पर दिखाया गया कि आप 60 महीने तक ही, मैक्सिमम आप 60 महीने तक की आप ईएमआई बना सकते हो और हर मंथली अपने ईएमआई को पे कर सकते हो, ये सारी चीजें यहाँ पर दिखाई गई हैं। और अगर आप इंटरेस्ट रेट की बात करें तो एनुअल परसेंट रेट दिखाया गया है जो कि यहाँ पर 10.99% से स्टार्ट होने वाला है और मैक्सिमम आपका 35% तक रहने वाला, अनुअल परसेंट रेट है ये वाला, अनुअल आपका इतना रहने वाला है, मैक्सिमम 35 रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रहने वाला, और मिनिमम आपका यहाँ पर 11% रहने वाला है। और अगर आप देख सकते हैं लोन प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो प्रोसेसिंग फीस आपके 0% से लेकर 6% तक रहने वाली है। और यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया अगर आप इससे लोन अप्लाई कर रहे हैं तो आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, आप इंडिया के बाहर से होंगे तो आप इस लोन के लिए एलिजिबल नहीं है, अगर आप इंडिया के पर्सन हैं तो आप यहाँ से लोन अप्लाई कर सकते हैं। अब आपने यहाँ पर सारी चीज़ें जानकारी मिल गई होगी। और यहाँ पर देखो एक एग्जांपल दिया गया जिससे कि आप समझ सकते हो। जैसे कि देखो अगर आप यहाँ से 1,00,000 रुपये का लोन ले रहे हो तो आपका इंटरेस्ट लगेगा उस पर 23%, प्रोसेसिंग फीस रहेगी आपके 4.25%, और आप 18 महीने तक आप ईएमआई बना सकते हो, और लोन की जो प्रोसेसिंग फीस आपकी इतनी रहने वाली है। और आपको देख सकते हैं आपके पर मंथ की आपकी ईएमआई बनेगी वो आपकी 6,621 रुपये की बनने वाली है। अगर आपको 1,00,000 रुपये का लोन लेना है तो पेटीएम का आप एग्जाम्पल देख सकते हो, अपने बजट के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो, आपके बजट के हिसाब से अगर इंटरेस्ट सही है तो अपने हिसाब से लोन ले सकते हो और आप हर महीने ईएमआई को पे कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं फाइनल ऑप्शन, जैसे कि पेटीएम से आपको लोन अप्लाई करना है तो कैसे करोगे, उस बात को ध्यान समझना। सबसे पहले आपको पेटीएम एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, इसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको ओपन पर क्लिक करना है, मैंने ओपन पर क्लिक कर दिया। अब देखो जब भी अगर आप इसको फर्स्ट टाइम पर ओपन कर रहे हो, डाउनलोड करके ओपन करोगे, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल के इसमें लॉग इन कर लेना है। लेकिन देखो आज के टाइम पर 99% मुझे गारंटी हर कोई पेटीएम यूज करता तो ये एप्लीकेशन आपके यहाँ पहले से ही होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको मोबाइल नंबर डाल के एप्लीकेशन लॉग इन कर लेना है। उसके बाद आपके सामने इस तरीके का होम पेज ओपन हो जाएगा सेम टू सेम। अब यहाँ पर आपको लोन के ऑप्शन आपको कई जगह पर देखने को मिलेंगे, जैसे अगर आप होम पेज पर आओगे तो यहाँ पर ही आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा पर्सनल लोन, देख सकते हैं इस तरीके से आ रहा है, यहाँ से भी आप लोन डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। बाई चांस अगर ये ऑप्शन अगर आपके में नहीं शो हो रहा है तो ऊपर ये ऐड आ रहे हैं, एड्स में आपको देखने को मिल जाएगा पर्सनल लोन अप्लाई करने का ऑप्शन, यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हो। मान लेते हैं यहाँ पर भी अगर आपको शो नहीं हो रहा है ऑप्शन, मैं आपको समझा देता हूँ। तो अगर आप ऊपर की साइड में स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा लोन्स क्रेडिट कार्ड, इसमें आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे बिजनेस लोन और पर्सनल लोन। तो आपको यहाँ से पर्सनल लोन अप्लाई करना है, पर्सनल लोन इसलिए करना है उस पर आपका ब्याज कम लगने वाला, बिजनेस लोन पर ज़्यादा लगेगा, आपको पर्सनल लोन पर क्लिक करना है। जैसे मैंने इस पर क्लिक कर दिया, अब मेरी बात को ध्यान समझना, इस तरीके से आप लोन वाले सेक्शन पर आ जाओगे। अब आपको अप्लाई करना है यहाँ पर, अब आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आएगा। देखो हमें जो दिया जा रहा है वो यहाँ पूनावाला फाइन क्रॉप की तरफ से दिया जा रहा है, इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर इसका ये लैंडिंग पार्टनर है जो कि यहाँ पर शो हो रहे हैं।
और बात करें यहाँ पे देखो मेरा नाम आ रहा है और यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है यहाँ से इस एप्लीकेशन से मुझे 5 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। जो पुणे वाला फाइनेंस ग्रुप है इसकी मदद से 5 लाख तक का मुझे लोन मिल सकता है सिर्फ 2 मिनट के अंदर और सारा प्रोसेस 100% डिजिटल होने वाला है। और अगर आपको लोन अप्लाई करना है नीचे आपको गेट इट नाउ पर क्लिक करना है, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब आपको थोड़ा सा वेट कर लेना, इस तरीके से लोडिंग लेगा। अब मेरे हर एक स्टेप को ध्यान समझना है। अब यहाँ पर देखो आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर आपको बेसिक डिटेल्स को फिल करना है। मैं इसमें पहले भी लोन अप्लाई कर चुका हूँ इसलिए अब मेरे सारे बेसिक डिटेल्स ऑटोमेटिक फिल होकर आ रही हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने पैन कार्ड का नंबर डालना है, जिसके पैन कार्ड से आप पर्सनल लोन अप्लाई कर रहे हैं उसका आपको पैन कार्ड का नंबर डाल देना, जो कि आपको पैन कार्ड पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालें, जो भी आपके पैन कार्ड पर डेट ऑफ बर्थ है वही आपको सेम टू सेम यहाँ पर डाल देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी को डाल देना है, जो भी आपकी ईमेल आईडी लगाना चाहते हो यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट ऑप्लीकेशन टाइप है इस पर क्लिक करना है, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब आपको सेलेक्ट करना आप सैलरीड हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो अगर, या फिर आपकी और कोई इनकम सोर्स है, ये आपको सेलेक्ट करना है। तो मैं तो देखो सेल्फ एम्प्लॉय हूँ तो मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया, तो इस पर आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट करना है। उसके नीचे आपको डन पर क्लिक करके इसको सेट कर देना है। ये देख सकते हैं मेरे यहाँ पर सारा कुछ डेटा कंप्लीट हो चुका है। आपको अच्छे तरीके से एक एक अच्छा अच्छे तरीके से फिल करना है। उसके बाद आप इसको स्क्रॉल करो तो आकर मेल या फीमेल आप किसके लिए लोन अप्लाई कर रहे हो, मेल या फीमेल, तो मैं मेल हूँ, मैंने मेल को सेलेक्ट कर लिया। दो बॉक्स आएंगे, दोनों बॉक्स को टिक कर देना है। इस तरीके से आपको पर्सनल डिटेल्स को फिल करना है। उसके बाद आपको क्या करना, नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है, मैंने कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया। वेट कर लिया, देख सकते हैं मेरे सारी डिटेल्स को चेक कर रहा है ये। अब देख सकते हैं देखो मेरे सामने यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन आ चुका है, देख सकते हैं यहाँ पे मुझे क्या ऑप्शन आया, सॉरी वी कुड नॉट विद योर लोन एप्लीकेशन। मैंने देखो पेटीएम से पहले ही भी एक बार अप्लाई किया था, तब भी मेरा लोन यहाँ पर रिजेक्ट हो गया था और अभी भी मेरा लोन यहाँ पर रिजेक्ट हो गया। देख सकते हैं यहाँ पर सॉरी वी कुड नॉट प्रोसीड विद योर लोन एप्लीकेशन। ज़्यादातर देखो अगर आपका सिविल स्कोर अगर ज़्यादा हाई होगा तभी आपको यहाँ से पेटीएम से लोन मिलता है, अगर आपका सिविल स्कोर मीडियम होगा तो यहाँ से आपको लोन देखने को नहीं मिलता। मुझे हर एप्लीकेशन से लोन मिल जाता है लेकिन पेटीएम से अभी तक मुझे लोन का ऑफर नहीं है, अप्लाई करता हूँ तो रिजेक्ट हो जाता है। मैं आपके सामने ही सारा प्रूफ दिखा रहा हूँ। अगर आपको देखो पेटीएम से अगर आपको लोन मिलने वाला होगा तो इस स्टेप में आपको जितना अमाउंट मिलेगा वो आपको अभी यहाँ पर शो हो जाएगा, और अगर आपको लोन नहीं मिलेगा तो यहाँ पे रिजेक्ट कर देगा। देख सकते हैं इसने मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया, इस तरीके से रिजेक्ट कर देगा अगर आपको लोन नहीं मिलेगा तो, और अगर आपको मिलेगा तो कितने अमाउंट का मिलेगा ये आपको होम पेज पर यहाँ पर ही शो कर देगा इस जगह पर। सो दोस्तों इस तरीके से आप पेटीएम एप्लीकेशन से पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हो, चेक कर सकते हो आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, जैसे मैंने आपको लाइव करके दिखाया है। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो यार इस वीडियो को एक लाइक करना और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।